अनकट है 10 मिनट का। 10 मिनट में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी, जो कहा जाएगा वो टीवी पर जाएगा। फटाफट से सबसे पूछेंगे कि इस बार का माहौल क्या दिख रहा है। बासा, कई हाल चाल है अपना? ठीक है सर। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार, हवा किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की लग रही है, आपको किसकी हवा लग रही है? मोदी। मोदी की वजह? मोदी मोदी। क्यों क्यों? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में बासा बोल रहे हैं, राष्ट्रहित में मोदी? कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस अच्छा काम करती है, हम उसको लाएंगे। ओके, आप क्या कहेंगे? जो राम को लाया उस मोदी को लाएंगे हम तो। अच्छा, आप? बेरोजगार युवाओं की आवाज है वो कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस कांग्रेस आपको लग रहा है? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? जो युवाओं को आगे बढ़ाती है कांग्रेस। हमारा मत गजेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया। गजेंद्र सिंह ने कोई काम? हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी में है। क्या है? मारवाड़ में, थार में यहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है और आप क्या सोचते हैं? अशोक। किसकी आवाज़ चल रही है? बीजेपी। बीजेपी की? क्यों? बीजेपी लहर है। अरे लहर क्यों है ऐसी, क्या वजह होगी? युवा वोट बीजेपी को देते हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए बीजेपी की लहर। राम को लाया और विकास भी अच्छा किया मोदी। आपको क्या लगता है किसने काम किया? मोदी। अच्छा, गजेंद्र सिंह नेचर की तलाश है। कांग्रेस आएगी सही से। इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस आने वाली है? आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। 15 लाख कहाँ गए? मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। 15 लाख अभी तक नहीं मिले भाई। बरोबर, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और कांग्रेस का कौन? करण सिंह को आप? करण सिंह उचाड़ा। बासा आप कटे रहो? खरबेरा। खरबेरा आपने मुद्दा कही है? मार कांग्रेस देना सर। नहीं, कांग्रेस ने तो देना मुद्दों कांग्रेस। पर गजेंद्र सिंह शेखावत तो कह रहा है कि मुझे जल संसाधन मंत्री रहो, मैं घरों काम के गज्जू बनाने। पानी दिया कि नहीं दिया? पानी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। पानी की पानी पानी कांग्रेस 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 आएगी इस बार, आपको क्या लगता है? कांग्रेस कांग्रेस आएगी, आपको क्या लगता है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने गरीब लोगों का। नहीं नहीं, आपसे बात होगी। मोदी जी क्यों? आपको राशन पानी मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ? कितना राशन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? गेहूँ मिलता है। मोदी जी ने हर घर को छत दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, हर सुविधा पूरी सुविधा दी है। आपको मिलता है अनाज? जी मैं मिलता है। आप किसको देने वाले? कांग्रेस को देंगे। अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे? अनाज तो क्या हो गया, अनाज मिलता है तो अनाज तो कांग्रेस पहले से 70 साल पहले मिल रहा था ना। अनाज कब नहीं बंद, कब हुआ मेरे को ये बताओ आप? अनाज बंद हुआ मिलना? नहीं हुआ ना, तो फिर कांग्रेस कांग्रेस को देने वाले हैं आप? भाई साहब आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्यों? जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कितने साल के हो? मैं तो 18 साल का हूँ। 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट दोगे? और कांग्रेस में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है। फिर भी कुछ एक बात होगी ना? कांग्रेस है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ भाई, आपको क्या लगता है कौन आएगा बताइए? करण सिंह उचावड़ा। यानी कांग्रेस के उम्मीदवार? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस कांग्रेस आपको पसंद है? कांग्रेस पसंद। और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी है पर काम के हिसाब से और आदमी के हिसाब से देके वोट देना चाहिए ना। हाँ, चेहरे पर नहीं काम पर। आप कह रहे हैं वोट देना चाहिए? काम पर वोट देना चाहिए। इस बार क्या है, दो बार पहले 25-25 सीटें आएगी, इस बार 8-10 सीटें कांग्रेस की आएगी। हाँ। क्योंकि विकास जो हो रहा है ना, वो 10 साल में विकास गजेंद्र सिंह ने करवाया नहीं यहाँ जमीनी स्तर पर। हाँ। हमने दो बार गजेंद्र सिंह को छोड़ के भेज दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया। हाँ। पानी की भयंकर समस्या है पूरे मारवाड़ में। आप कह रहे हैं इस बार जो है कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा, किसकी आवाज? तो मुकाबला ये बता रहे हैं कि पानी तो अशोक जी 25 साल सांसद रहे थे और 3 बार सीएम रहे हैं। उन्होंने तो पानी भेजा ही नहीं, और 10 साल वाला के पानी भेज देगा, कैसे पानी भेज देगा? 10 साल में कैसे भेज देगा? उन्होंने 40 साल राज किया अशोक जी ने, तो पानी भेजा ही नहीं। बोल रहे हैं 40 साल में पानी भेजा नहीं है और आप 10 साल में पानी जा रहे हैं। अरे पहले तो इतने देखो, पहले इतने संसाधन थे नहीं, अब डबल इंजन की सरकार बन गई दो बार। डबल की डबल में भेजेंगे तब भेजेंगे ना पानी भाई, डबल में सुना के भेजेंगे तब पानी भेजेंगे। आपके लिए इस बार कौन? इस बार मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। और शायद कोई भी आए पर दूसरा आदमी आना चाहिए, जो अभी मौजूदा सांसद है उसमें परिवर्तन। परिवर्तन ये राजस्थान की रगों में है, परिवर्तन हमेशा वो देखता है। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को ये लगता है कांटे की टक्कर है, बस आएंगे गजू बना, क्योंकि मोदी सरकार मोदी के पीछे वोट मिलेंगे। है गजू बना की पर 100 लेट गजू बना आएंगे, हजार लाखों में नहीं हजारों में आएंगे, परंतु मोदी सरकार। अच्छा मतलब लाख से मामला घटके 1000 पे आ जाएगा, लेकिन आएंगे जरूर।
हाँ, आपको क्या लगता है भाई? जी मोदी सरकार अब की बार 400 पार है, पक्की बात है। अब की बार 400 पार लेकिन आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं किसकी हवा है? कांग्रेस। कांग्रेस की हवा है, क्यों भाई? वजह? कांग्रेस अच्छा काम करके दिखाया सब कुछ। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, उसकी एक सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है? आज तक कांग्रेस ने भले किया है, राशन वगैरह जो भी है, सुविधाएं वगैरह, आज तक उनका हाथ का बना हुआ सब कुछ, सब उनके हाथ का बना हुआ है, इसीलिए आपको पसंद है। पसंद आया। हाँ, आप कहाँ से हो? अरे खाली कैमरा, हमारे भी कैमरा पर्सन बोलते नहीं है। जोधपुर के? हाँ, जोधपुर के हैं। अच्छा, बस इतना बता दो किसका इस बार हवा भारी लग रही है? कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ, आपको क्या लग रहा है? मैम, लग तो ये रहा है कि राजस्थान में हर साल परिवर्तन होता है, तो इस बार थोड़ा सा मतलब लग रहा है बीजेपी का थोड़ा रहेगा प्रभाव, लेकिन जो पिछले मुकाबले में जो गजेंद्र सिंह जी थे, हाँ, तो उनके लिए थोड़ा काफी थोड़ा रोष भी देखने को मिला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए यहाँ की पानी की जो समस्या, केंद्रीय मंत्री रहते हुए काम नहीं किया। आपका नाम क्या है? यही है सर, मेरा नाम पारसराम मजाज है। तो पारसराम जी, आपको सुविधा सारी मिल रही है? नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं मिल रही है मुझे, दिव्यांग हूँ लेकिन मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, ना पहले की सरकारों में मिली ना अभी की? नहीं, किसी सरकार में कोई। तो आपको इस बार कौन किस पर भारी लग रहा है, या कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, बिल्कुल। तो कौन जीतेगा फिर? जीतेगा तो कांग्रेस। जीतेगा तो कांग्रेस। कौन है जिससे अब तक मेरी बात नहीं हुई, आपसे बात हुई है? बीजेपी। बीजेपी क्यों भाई? बीजेपी कांग्रेस 230 सीटों पे लड़ रही, बहुमत पे लड़ी नहीं रही, वो कैसे सरकार बनाएगी? तो वो इंडिया गठबंधन आएगा ना? गठबंधन की बात अलग है, वो उनको खुद को भी मालूम नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, 230 पे लड़ रही है। गठबंधन में चेहरा कहाँ इनके पास? पीएम का चेहरा कहाँ इनके पास बताओ? बीजेपी आएगी। कई हालचाल है आपका? बस बहुत बढ़िया है। हमारे देखने रुक गया लगे, मेरे को पता लगा जब अभी आया हूँ। अरे वाह वाह, कई नाम है आपरो पास? जवाहर सिंह। हाँ, जवाहर सिंह साहब, कई लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लाग रहे हो। मोदी साहब आई फुल डंगरी सीट टू। हाँ, कतरा सीट अलावा 400 पार। कई बात कर रहे हो आप? मैडम मैं बता, हमारे 18 लोग अटे मौजूद है, सब लोग बीजेपी रेज है। मैडम मैं बता, सब लोग बीजेपी रेज, आप भी बीजेपी रहो? बीजेपी में घोटाला किया, 80,000 रूपए पड़े, आज 11 साल हो गए, 80,000 रूपए। चिरंजीवी में चिरंजीवी बोल रहे हैं। मैं बताऊं मैडम? अच्छा बादशाह, बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज 18 इंडिया आप देखने अटे आया और मारे लारे बात की थी, पर आप लोग आ गए हो मोदी रो राज आ गए। मोदी रो राज पक्को आई मैडम, 140 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी देश में बीजेपी की, ये मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी दे रहे हैं? आपका नाम? महेंद्र कुमार है मेरा नाम। महेंद्र कुमार गारंटी दे रहे हैं? अंदर है 180 सर, अंदर बीजेपी। बीजेपी 180 सरकार तो मोदी की बनेगी लेकिन कांटे की टक्कर है। सरकार मोदी की लगी लेकिन कांटे की? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे लेकिन है कांटे की टक्कर, राजस्थान में कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कांटे की टक्कर लग रही है आपको? मोदी मोदी कांटे के 25 की 25 सीटें, पूरी की पूरी सीटें। एक बाड़मेर की थोड़ी गड़बड़ है, बाकी पूरी सीटें। रविंद्र सिंह भाटी वाली पार्टी, वहाँ पार्टी निकलेगा। अच्छा, नहीं पार्टी रविंद्र पार्टी निकलेगा, पार्टी का बड़ा शो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? और मैं तो अटेरा कौन है? आप अटेरा नहीं हो, पर हो तो राजस्थान रहा ना। हाँ, तो कहीं लग रहे हो आप रहे, 25 सीटा इस बार गंडा खाता में जाओ। भाई देखो मूल्यो वही जो ठा पड़ी, उन टाइम वोट वही उन टाइम ठा पड़ी। हाँ, तारे कटे वोट देवाना टाइम पड़ेगा। रविंदर भाटी नहीं देवा। हाँ, था मतलब क्या होता है बताए कि समझ जो है वो उसी वक्त पड़ेगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है, तो ये तो बाड़मेर हो गया, लेकिन बाकी किसकी हवा ज्यादा लग रही है? मैं वोटी ना तो रविंद्र भाटी चल रही है। अरे पर रविंद्र भाटी को सीएम बन जावे? अत्र ध्यान नहीं है। अरे आप वापस आ गए, आप भी वापस आ गए, आप भी आ गए, इधर आइए जल्दी से जल्दी से। अरे किधर भागे जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा राम है। रामा राम है? रामा राम, दो दो राम आपके नाम में। आपकी हवा किसके लिए लग रही है जाती? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस? अरे तो क्या हुआ, राम राम है तो कांग्रेस तो क्या हो गया? राम राम है तो बीजेपी तो कहती है कि राम तो हमारे हैं भाई, ये तो राम खरीद के लाए क्या वो? ये प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं आने, ऐसी बातें नहीं करते प्रभु राम। देखिए, कोई किसी पार्टी का हो लेकिन एक बात क्लियर है, राम ही मनुष्य को लेकर आए हैं, लेकिन ये मनुष्य जो है वो किसको लेकर आता है, यानी किस पार्टी पर जोर आजमाता है, अपना विश्वास आजमाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, ये है अनकट
नो एडिटिंग।